सावधान आराम करते। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सबसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणेमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 श्लोकों में निबद्ध है और आत्मसंवेदन की भावना पूर्वक लिखा गया है, ऐसे इस ग्रंथ पे हमारी चर्चा चल रही है। इष्ट का उपदेश देने वाला है, अपने ज्ञायक रूपी इष्ट को बताने वाला, दिखाने वाला, समझाने वाला यह अनुपम ग्रंथ है। इस पे हमारी चर्चा 6 नंबर की गाथा पे चल रही थी। 6 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे कि ये सुख दुख तो वासना मात्र है, कल्पना मात्र है और विपत्ति के समय ये भोग रोग के समान लगते हैं, इसलिए वास्तव में ये भोग सुख के कारणभूत नहीं है। क्योंकि यदि वस्तु सुख दुख के कारणभूत होती तो सुख देने वाली वस्तु हमेशा सुखी देती और दुख देने वाली वस्तु हमेशा दुखी देती, इसीलिए ये सुख दुख वास्तव में कल्पना मात्र है और कल्पना भी मिथ्या कल्पना है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे की थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब ये सुख दुख कल्पना मात्र है, जब ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्या है, जब ये वस्तु इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है, दो दिन चर्चा की हमने इस पर, इतनी चर्चा करने के बाद भी हमको ये बात समझ में क्यों नहीं आती, हमको ये ज्ञात क्यों नहीं होता कि कल्पना मात्र है, हमको वो सुख दुख कल्पना क्यों नहीं लग रहा है, हमको अभी भी विषयों के सेवन में सुख क्यों लग रहा है, हमको अभी भी ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ये हमको क्यों लग रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। उस रीजन को शिष्य पूछना चाह रहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी से कि आप तो हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने इतनी बातें की कि भैया पर वस्तु जो है, हमने जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल लिया था, गाड़ी के नीचे चला, सब कुछ समझ में आ रहा है, वस्तु का परिणाम मेरे अधीन नहीं है, ये बताने के बाद मुझे क्यों नहीं लग रहा है, मैं क्यों चाह रहा हूं ये सब सुनने के बाद भी कि वस्तु का परिणाम मैं कर दूं, मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूं, ये मेरे अंदर क्यों हो रहा है, मुझे वो संवेदन क्यों नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे देखो पेज नंबर 18 पे क्या कह रहे हैं। यहां शिष्य पुनः कहता है कि यदि वह सुख दुख वस्तुतः खलु शब्द के अर्थ में है, अर्थात वो सुख दुख वास्तव में सुख दुख नहीं है, वासना मात्र है, तो लोगों को वह वासना मात्र ज्ञात क्यों नहीं होता, वो लोगों को हमको, हम अपनी बात करें, हमको वह कल्पना मात्र क्यों नहीं लगता, अर्थात लोगों को वह संवेदन में क्यों नहीं आता, ये बताइए। बाकी बातें तो स्पष्ट हो गई कि सुख दुख कल्पना मात्र सब कुछ है, लेकिन ये हमारे संवेदन में क्यों नहीं आ रहा है, हमको क्यों नहीं लग रहा है कि सुख दुख कल्पना मात्र है। तो यहाँ आचार्य समझाते हैं, उसके लिए अगली गाथा लिखते हैं, गाथा नंबर 7। देखो क्या कहते हैं उसमें, मोहे निसंवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदने को द्रवै। क्या कह रहे हैं,
मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लवते नाही मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे यथा मन को द्रवे। देखो ऊपर से लेते हैं, मोहेन अर्थात मोह से, समृतम अर्थात ढका हुआ अर्थात आच्छादित हुआ, ज्ञानम वह ज्ञान जो स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभाव है वो मोह से ढका हुआ है। तो मोह से ढका हुआ ज्ञान, मोह से ढका हुआ मोहेन समृतम ज्ञानम कि वो ज्ञान मोह से ढका हुआ है, इसलिए स्वभावम स्वभाव को उस वास्तविक वस्तु स्वरूप को लवते नहीं, लवते अर्थात जानना, ना ही अर्थात नहीं, नहीं जानता है। कैसे क्यों नहीं जानता है, मोह ये ज्ञान जो है वो मोह से आच्छादित है, मोह से ढका हुआ है, मोह से आच्छादित ज्ञान होने के कारण वह स्वभाव को नहीं जानता। किस प्रकार, यथा जैसे मदन को द्रवे, मद उत्पन्न करने वाले कोदवों से, कोद्रवे का अर्थ है कोदव, कोदव नाम का एक फल कहें उसको या एक पुष्प कहें, एक कोदव नाम का वृक्ष पाया जाता है जो उसका सेवन करने से मद मीन जिसका जो उसका सेवन करता है वो नशे में हो जाता है, उसके नशा चढ़ जाता है, ऐसा एक कोदम नाम का उसको फल कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं। उसका यहाँ एग्जाम्पल दिया है आचार्य पूज्य पाक स्वामी ने, आप म्यूट कर लें। कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? ओके, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यथा जैसे मदन को द्रवे, उसको मद को उत्पन्न करने वाले कोदवों से, मत पुमान अर्थात मत में पूरी तरीके से मत शिव जो व्यक्ति है, उन्मत्त पागल बना हुआ मनुष्य, पदार्था नाम पदार्थों का, फिर अब ऊपर जो है आदि दीपक, स्वभावम लवते नाही पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ना लवते ना नहीं जानता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लवते नाही मत पुमान पदार्था नाम यथा मन मदन को द्रवे। देखो ये हिंदी में क्या कह रहे हैं, मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, ज्यो मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान। कि पूरे जिनागम में मोह कर्म के लिए शराब का एग्जाम्पल लिया है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत भादी, ये मोह रूपी महामदिरा। छेड़ारा में भी यदि गोमड़ सार में देखें तो वहां पर भी मोह के लिए इसी का एग्जाम्पल लिया, नशे का ये एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ये मोह का नशा ही ऐसा है, ये मोह नशा करा देता है। जिस प्रकार नशा कारक वस्तु का भक्षण करने पर जीव को कुछ सुध-बुध नहीं रहती, जीव अपनी सुध-बुध खो देता है, वैसे ही ये मोह के कारण जीव अपनी सुध-बुध खो के बैठा है, इसको अपनी सुध-बुध नहीं है, क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, मैं इतना यहाँ कह रहे हैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी इसको वो सुख दुख कल्पना मात्र क्यों नहीं लगता, तो इसके पीछे एकमात्र कारण है मोह का उदय। ये मोह की महिमा ही ऐसी है, ये मोह ऐसा महिमावंत है, उपमा अलंकार है, ये मोह ऐसा महिमावंत है कि इसके आगे हम पस्त हो जाते हैं, ये मोह रूपी योद्धा हमारे चलने नहीं दे रहा है। मैं हमने अपने आप को एक अनंत शक्ति का धारी मैं हूं, और अनंत शक्ति का धारी होने के बाद भी मैंने एक मोह राजा के सामने अपने हथियार डाल दिए, मेरा परिणाम ऐसा हो रहा है, मोह राजा के आगे हथियार डाले हुए हैं, ऐसा ये मोह महिमावंत पदार्थ है। इस मोह के कारण यह जीव अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करता है, और अपने स्वरूप का ज्ञान ना करने के कारण इसको ये सुख दुख कल्पना मात्र नहीं लगता है, क्योंकि इसको वास्तविक सुख की पहचान नहीं है, वास्तविक सुख की खबर नहीं है। वो आती है ना भजन में लाइन, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, मोह की महिमा देखो
क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी सुध नहीं आई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। मोह की महिमा देखो कि कैसी महिमा है मोह की, अपनी सुध ना आई, अपनी महिमा भुलाई, उसकी महिमा करता रहता है। हम क्या कर रहे हैं, मोह राजा का गुणगान करते हैं, जहां देखो वहां हम मोह का गुणगान करते हैं, मोह राजा का गुणगान करते हैं। एक जीव राजा दो तीन लोग का नाथ बनने की जिसमें सामर्थ है, तीन लोग का नाथ बनने की, वो जीव राजा एक मोह राजा के सामने हार रहा है, मोह राजा का गुणगान करने में लगा हुआ है। ये ऐसी मोह की महिमा है। काहे अरहंतों के कुल को लजाया, काहे जिन वाणी माँ का कहना भोलाया, मुनिराजों की भी सीख न मानी, सिद्ध समान तेरी हरकत बचकानी, अपने ही हाथों तूने घर में है आग लगाई, अपनी ही सुध ना आई। मोह की महिमा देखो, क्या कहें मोह की महिमा के बारे में, कि ये मोह, इस मोह के कारण यह जीव अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करता। इस मोह के कारण इस जीव को जिनवाणी का निमित्त मिल गया, श्री गुरु के उपदेश का निमित्त मिल गया, अरिहंत भगवान मिल गए, उनकी दिव्य धनी मिल गई, इतना सब कुछ, और उसके बाद श्री गुरु उपकार करुणा करके हमको बार बार समझा रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये विचार नहीं करता, तो ये मोह का कारण जानना। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना 93 नंबर के पेज पे मोह की महिमा, पंडित टोडरमल जी ने उपालंका का प्रयोग करके कहा मोह की महिमा कैसी है, इसकी मोह की महिमा कि इसको सत्य वस्तु स्वरूप का विचार करने के कारण मिलते हैं, लेकिन कारण मिलने के बाद भी विचार नहीं करता। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त मिलता है, बारंबार समझाते हैं श्री गुरु, लेकिन यह कुछ भी विचार नहीं करता। और तो छोड़ो, वहां तो ये लिखा ये मोह कैसा है कि इसको स्वयं कोई प्रत्यक्ष भाषित हो, इसको स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित होता है कि सुख दुख नहीं, कल्पना मात्र है। मैं हमको स्वयं प्रत्यक्ष भाषित होता है, और स्वयं प्रत्यक्ष भाषित होने के बाद भी नहीं मानते, और अन्यथा ही मानते रहते हैं। अरे इसकी महिमा कैसी है कि जो पर्याय धारण कर ली उसी में अपनापन मान लिया। इस मोह के संस्कार कैसे हैं कि जो पर्याय धारण की उसमें बिना सिखाए ही उस रूप परिणाम करने लग जाते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपने नाश मानता है। भाई यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, इस मनुष्य रूप में हूं, इस संदीप रूप ही मैं हूं, बस इतना मान के बैठे हैं हम। इसके आगे पीछे सोचते नहीं है, विचार ही नहीं करते हैं। ये मोह की महिमा है, इस पर्याय में तन्मय हो गए। जो पर्याय धारण की उस पर्याय में तन्मय हो गए। वो एग्जाम्पल आता है ना राजा का, कि राजा को 7 दिन पहले पता चल गया, मुनिराज ने बता दिया 13 7 दिन बाद मरण होगा, और तू मर करके अपनी गटर में गटर का कीड़ा बनेगा। तो राजा ने अपने पुत्र से कहा कि 7 दिन बाद मेरा मरण होगा और मैं गटर में कीड़ा बनूं, मेरे मरने के बाद देखना, यदि मैं कीड़ा दिख जाए वहां पे तो कीड़े को मार देना, मुझे गटर में नहीं रहना। गटर तो कितनी बेकार चीज है, कितनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज का कीड़ा नहीं बनना, मुझे वह नहीं चाहिए। वो जैसे मुझे कीड़ा दिखाई दे तो उसको मार देना। और 7 दिन बाद जब वो राजा का मरण हो गया और उसके पुत्र ने पिता के कहे अनुसार गटर में देखा, गटर में कीड़ा दिखा, और जैसे वो उसको मारने को उद्यत हुआ, वो उस गंदगी में और अंदर घुस गया। कि क्या हुआ, अभी तो आप कह रहे थे गंदगी में नहीं रहना मुझे, कि जिस पर्याय को धारण करता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। ये मोह की महिमा है, ये मोह कर्म के कारण यह जीव
जो परिया जैसी मिली, काला गोला। देखो जो व्यक्ति काला होता है उसको फिर कालेपन में ही संतुष्ट रहता है, कोई गोरा होता है तो गोरेपन में कि यही गोरा ही मैं हूं, बस ये काला ही मैं हूं, धनपति मैं हूं, गरीब मैं हूं, इस प्रकार की मान्यता करता रहता। मैं विचार करके देखे ये मोह कैसा है, जिस मोह के कारण हमको ये सुख दुख कल्पना मात्र नहीं लग रहा है, ये मोह है कैसा। तो ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा, हम ये कहें अब क्या करें, मोह का उदय है, अब क्या करें मोह का उदय है। देखो मोह का उदय है तो मोह का उदय चलेगा ही, अनादिकाल से चलता आ रहा, चलता रहेगा। इस मोह के उदय के काल में ही हमको काम करना पड़ेगा। हम यदि ये सोचें कि कब मोह का उदय समाप्त हो, मोह है अब क्या कर सकते हैं, मोह है कि मोह नहीं है, वास्तव में विचार करके देखें जिन जीवों ने अपना कल्याण किया है मोह के उदय में किया है। ऐसा नहीं है मोह का अभाव पहले हो गया उसके बाद काम किया गया हो, कि मोह का उदय तो बारह गुणस्थान में जाके छीन होता है, मोह छीन मोह गुणस्थान में। अब लेकिन मोह और बारह गुणस्थान की क्या बात करें, पहले से जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर जिस समय किया उस समय मोह का उदय चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कि मोह का उदय चल रहा था। और कोई यदि ये बहाना लगाए कि मंद उदय हो गया होगा इसलिए उन्होंने काम कर लिया अपना, तो मोह का तीव्र और मंद उदय सब जीवों को चल रहा है, कभी तीव्र उदय आता है कभी मंद उदय आता है। तो तीव्र और ऐसा तो है नहीं कि हमको और आपको तीव्र उदय चल रहा हो और सिंह के जीव को मंद उदय चल रहा हो, तो उसने अपना काम कर लिया, हम काम नहीं कर पा रहे अपना। विचार करके देखें उस अंजन नाम के चोर का मुंह का उदय मंद हो गया, हमारा मुंह का उदय मंद नहीं हो रहा है। विचार तो करके देखें हम कि मोह का उदय हमारा मंद है कि नहीं, कि मोह का उदय तो हमारा भी मंद होता है, तीव्र भी होता है मंद भी होता है, वो तो तीव्र और मंद रूप उसका परिणाम होता रहता है। लेकिन उस काल में हम क्या कर रहे हैं, उस मोह के उदय के काल में ये कहने से तो काम नहीं चलता कि मोह का उदय अब मोह है, अब मोह नहीं हो तो फिर जीव मुक्ति हो जाए। यदि ये मोह ना हो तो भी जीव मुक्ति हो जाए, कि जीव मुक्त तो मोह के अभाव में ही होगा ये बात तो पक्की है, लेकिन मुक्ति को पाने की दिशा में कदम मोह के उदय में ही बढ़ाया जाएगा, मोह के उदय में ही बढ़ेगा। कि आप सोचो कि मोह थोड़ा क्षीण हो जाए, मोह थोड़ा सा अभाव हो जाए तो फिर मैं सम्यक दर्शन करूं, तो फिर मैं वस्तु स्वरूप को समझूं, तो फिर मैं वस्तु स्वरूप का ज्ञान करूं, कि नहीं ये तो सब मोह के काल में करना पड़ेगा। लेकिन ये जीव वस्तु स्वरूप को क्यों नहीं जानता, ये सुख दुख कल्पना मात्र क्यों नहीं लगता, क्योंकि मोह का उदय चल रहा है। मोह के उदय के कारण इस मोह रूपी मदिरा का सेवन करने के कारण, कि जिसने इस मोह रूपी मदिरा का सेवन किया उस मोह रूपी मदिरा का सेवन करने के कारण यह जीव इन सुख दुख को ही रियल मान लेता है। जो सुख दुख काल्पनिक है, कल्पनाओं में है, उन सुख दुख को रियल मान लेता है, और जो रियल सुख है उस सुख की पहचान नहीं करता। क्या लगता है हमको, देखो प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको कि जैसे एक पैसा है, पैसे को हमने सुख का कारण माना कि पैसा सुख का कारण है, अब इसको प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि पैसा किसी भी प्रकार सुख का कारण नहीं है। एक गरीब व्यक्ति होता है वो भी दुखी होता है, और एक अमीर व्यक्ति होता है वो भी दुखी होता है, अम्बानी भी दुखी है और एक गरीब व्यक्ति भी दुखी है, तो पैसा सुख का कारण कैसे हुआ बताइए। और कोई कहे पद पाने से सुख हो जाता है, कोई पद को लेकर सुखी होना चाहता है, तो ऊंचे ऊंचे पद वाले भी दुखी हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी पद वाला हो, वो सारे पद वाले दुखी हैं, और इसके पास कोई पद नहीं है सामान्य व्यक्ति वो भी दुखी है, तो पद सुख का कारण कैसे हुआ विचार करके देखें हम। तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि पद पैसा जो भी चीज लगाओ एक्सेट्रा, कि ये भोग ये किसी भी प्रकार सुख के कारण नहीं है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि सुख का कारण है, क्यों। अब इसका एक ये तो एक कर्म के उदय की अपेक्षा आंसर दिया जा रहा है मोह के कारण, ये तो एक अभी आज तीन चार गाथाएं चलेंगी इसी रूप में, उनमें क्रम क्रम से चर्चा करेंगे हम इस बातों की।
अभी तो क्या कह रहे हैं, कर्म के पीछे आंसर दिया जा रहा है। ये भी ये जो आंसर दिया आचार्य पूज्य पाक स्वामी ने, वो कर्म के पीछे दिया कि मोह कर्म का उदय चल रहा है। मोह कर्म के कारण ये, इस मोह कर्म ने ज्ञान को आच्छादित कर दिया है, इस मोह ने इस ज्ञान पे आवरण डाल दिया है, जिसके कारण यह वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं कर रहा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मोह कर्म का भी कोई दोष नहीं है इसमें। वो लाइन आती है ना, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, कि उदय भी कैसे है, इस मोह कर्म का क्या दोष है उसमें। दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में। सुनी होगी आपने ये लाइन, अच्छे तृतीया की कथा में लाइन आती है, दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में। नीति नहीं है ये, अनीति है। यदि हम उदय को दोष ठहराएं, अब क्या करें, हमारे कर्म का उदय ऐसा, अब क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है कि विचार कर, कर्म का उदय आया कहां से। कर्म का उदय तेरी गलती से आया है, तेरी अज्ञानता से आया है। तो इसका कारण ये कर्म का उदय है कि तेरी अज्ञानता है। इस कर्म का कारण कौन है, मेरी अज्ञानता या ये कर्म का उदय, कि कर्म का उदय आया कहां से है। वो लाइन आती है ना, बंद समय तू चेते न चेतन, उदय समय क्यों कर क्रंदन, ये जो कर्म उदय में आया, तेरा ही था आमंत्रण। कि बंद समय तो चेतता नहीं है, उस समय तो बंद कर लेता है, मान करके, क्रोध करके, लोभ करके, मायाचारी करके, कुछ का कुछ करके, अन्याय नीति करके, अवच्छ भक्षण करके, कुछ ना कुछ करके कर्मों को बांध लेता है। पहले तो वस्तु का परिणाम मेरे आधीन हो जाए, ये सोच सोच कर उसमें एकत्वपना, मत्तपना, कर्तत्वपना कर करके कर्म बांध लेता है। बंद समय तू चेते न चेतन, उस समय चेतना नहीं है, जिस समय चेतने की आवश्यकता है, जिस समय इस मोह का अभाव किया जा सकता है, उस समय तो करता नहीं है। और जब मोह कर्म बन जाता है तो फिर होता है, उदय समय क्यों करे क्रंदन। अब उदय आया तो झेल। देखो कर्म एक तो हमें मौका देता है बंद बांधते समय कि भैया देखो विचार कर लो, कर्म बंध रहा है, विचार कर लो कर्म ना बंधे, ऐसा मौका है आपके पास। और यदि कर्म बंध गया तो अभी सत्ता में पड़ा हुआ है, अभी भी मौका है उसका, उत्कर्षण अपकर्षण जो करना चाहे कर लो। कर्म कितने मौके दे रहा है हमको, लेकिन हम मौके नहीं उठा रहे, हम मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे। कर्म उनको मौके पे मौके दे रहा है लेकिन हम फायदा नहीं उठा रहे। एक तो बनते समय मौका दिया उसने, एक सत्ता में पड़े हुए मौका दे दिया कि भैया उत्कर्षण अपकर्षण की व्यवस्था दे दी कि उत्कर्षण अपकर्षण करना हो तो कर लो। राजा श्रेणी ने तो कर लिया, 33 सागर को 84,000 वर्ष कर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, सत्ता में मौका देता है, फिर उदय काल में मौका देता है। उदय काल में क्या मौका देता है कि भैया समता पूर्वक सहन कर लो, समता पूर्वक कर लोगे तो नया नहीं बंधेगा। कितने मौके दे रहा है हमको कर्म, लेकिन ये मोह कर्म ऐसा है जिसके कारण हम मौकों को गवा देते हैं। इसलिए वो लाइन क्या थी, बंद समय तू चेते न चेतन, उदय समय क्यों करे क्रंदन, ये जो कर्म उदय में आया, तेरा ही था आमंत्रण। अब जो इनसे द्वेष किया, या किया जो इनका अभिनंदन, तो फिर इनसे तेरा होगा जन्म जन्म का गठबंधन। अब हमको क्या करना है, जन्म जन्म का गठबंधन करना है कि क्या करना है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मोह कर्म के कारण यदि तुम मोह के आगे हारते रहोगे तो ये कर्म का गठबंधन चलता ही रहेगा, ये नष्ट नहीं होने वाला, तीन का नष्ट नहीं होने वाला। इस मोह पर तो विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। कि अरे मोह पर कैसे विजय प्राप्त करें, कि मोह के विजय का ये सिंपल सा उत्तर पंडित डोरेमन जी ने दिया हुआ है कि तत्व अभ्यास कर। बस इस मोह पे विजय प्राप्त करने की एक ही विधि है, तत्व अभ्यास, और दूसरा कोई रीजन नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ये तत्व अभ्यास करने से, तत्व विचार करने से
ये मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जो अनंत अनंत सिद्ध अब तक हुए हैं ये तत्व अभ्यास और तत्व विचार के बल पे हुए हैं। भेद विज्ञान अतः सिद्धा सिद्धा ये किल के चना आती आता ना समय सार कलश में आता है, संबर अधिकार में है ये कलश, कलश नंबर याद नहीं है। भेद विज्ञान अतः सिद्धा सिद्धा ये किल के चना, अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे ये सब महिमा जानो तुम भेद ज्ञान की, और जो अब तक भवटवी में भटक रहे हैं भेद ज्ञान के ही अभाव में भटक रहे हैं। और ये भेद ज्ञान तत्वाभ्यास से होगा, ये भेद विज्ञान से मोह पे विजय प्राप्त होगी। तो ओवरऑल इसका एकमात्र कारण तत्वाभ्यास है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जैसे मद से उन्मत्त नर, जैसे किसी ने मदिरा पी ली हो, कोई नर मदिरा का सेवन कर लिया हो तो सुदबुद खो देता है वो। ये पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, कभी मत वाला माता को माता कहता है, कभी माता को पत्नी कहता है, कुछ सुदबुद ना आ रही है, मिथ्या मति छाए गई है। ऐसी कंडीशन हो जाती है मदिरा का पान करने पर कि कभी माता को माता कहता है, कभी माता को पत्नी कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, पागलों की भांति बकता रहता है। कैसा है ये मोह का मोह रूपी मदिरा कैसी है? इस मोह रूपी मदिरा का सेवन करने वाला पागलों की भांति बकता रहता है। मैंने कह रहा ये बात पंडित टोडरमल जी ने लिखी है कि यह जीव अवश्य जानता है कि मेरा मरण होगा, मुझे ये पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में जाना पड़ेगा, यह बात यह जीव जानता है, देखता भी है कि जीव जा रहे हैं पर्याय को छोड़ छोड़ के दूसरी पर्याय में, लेकिन इतना जानने के बाद भी इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता रहता है। मरण का निश्चय हो तो भी बातें मनाता है, कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, मेरे शरीर को जला दिया जाएगा, कभी कहता है मुझे जला दिया जाएगा, कभी कहता है यश रहेगा तो मैं जीवित ही रहूंगा, मेरा यश रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा यश रहेगा, तो यश रहा तो हम जीवित ही हैं, पुत्रादिक रहेंगे तो हम जीवित ही रहेंगे, पुत्रादिक के नाम से जीवित रहेंगे, अपने नाम से नहीं। तो उसमें वहां पे कहा पंडित टोडरमल जी ने ये लाइन, पागलों की वहां की बकता है, कुछ भी सावधानी नहीं है। हम विचार करके देखें हम कहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ तो कह रहे हैं सुख दुख वासना मात्र नहीं लग रहा है, उसका कारण ये मोह है। इस मोह की महिमा की तो क्या बात करें, मीन्स क्या कहें इस मोह के बारे में, जो भी कहें वो सब कुछ कम है। मीन्स जहां हम मोह कह रहे हैं, अभी परिजनों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि परिजनों की बात अगली गाथा में आनी है, इसलिए मैं यहाँ पे परिजनों की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन विचार करके देखें कि हम क्या कह रहे हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, दुखी हो जाते हैं, मैं ज्ञाता रूप क्यों नहीं रह पाते, हम ज्ञाता क्यों नहीं रह रहे हैं कि मोह कर्म के कारण, कर्म का उदय आया और हम दुखी हो गए, कर्म का उदय आया अच्छा तो हम सुखी हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं जो ये कर्म के उदय के अनुसार तुम सुखी दुखी हो रहे हो, इसका कारण है ये मोह कर्म। इस मोह कर्म ने आपके ज्ञान को आच्छादित कर दिया, ढक दिया है, आवरण डाल दिया है इस ज्ञान के ऊपर, अब ये आवरण को हटाने की आवश्यकता है। अब देखो अब ये आवरण जो है ना, ये आवरण कैसा है, अनादिकाल से आवरण पड़ता आया है। जैसे मान लो कहीं पर किसी प्लेन जगह पर मिट्टी गिर रही है और मिट्टी गिरी और सूख गई जम गई वहां पर, थोड़ा सा टीला बन गया, तो उस मिट्टी को हटाना आसान है, लेकिन उसके ऊपर डेली मिट्टी डलती रहे, डेली सूखती रहे, तो वो एक पहाड़ का रूप ले ले, एक पहाड़ का रूप ले ले तो उसको हटाना पॉसिबल तो है, लेकिन उसको हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब उसको लेयर बाय लेयर हटाना है, डेली मिट्टी जली है, जमी है उसके ऊपर, ऐसे ही ये ज्ञान के ऊपर मोह का आवरण अनादिकाल से पड़ता आया है। अब ये इतना पुष्ट हो गया है कि इसको हटाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई बड़ी बात नहीं है। रस्सी आवत जावत है सिरपा परत निशान, रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ देती है, तो ये मोह नहीं छूटेगा ऐसा संभव नहीं है, मोह छूटेगा, लेकिन उसके लिए हमको वो अभ्यास चाहिए, वो विचार चाहिए, वो चिंतन चाहिए। हम चिंतन ना करें, विचार ना करें, अभ्यास ना करें तो फिर कोई उपयोगिता नहीं है उसकी, क्योंकि वो तो फिर
यदि हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, विचार चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो मोह तो अपना काम कर ही रहा है, मोह तो कंटिन्यू अपना काम कर रहा है, मोह रूपी मदिरा को पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। उसने तो एक कुबुद्धि रूपी रानी को रखा हुआ है, मुक्ति के संघर्ष में है ना, जो नाटक है मुक्ति का संघर्ष, कि मोह रूपी राजा ने एक कुबुद्धि नाम की रानी को रखा हुआ है सदा काल जीव राजा के पास में, कि इसको उठने मत देना, उठे तो मोह की मदिरा पिला देना। मदिरा रखी हुई है उसने तो कुबुद्धि रानी ने, अब हमको वो कुबुद्धि कुबुद्धि रूपी रखनी है कि सुबुद्धि करनी है कि नहीं करनी, कि वो कुबुद्धि रानी के बहकावे में आके मोह की मदिरा पीते ही रहे। अब क्या करें, मोह की मदिरा का नशा है, इस नशा को उतारना पड़ेगा, ये नशा उतरना ही चाहिए। इस नशे के कारण ही, इस मोह के नशे के कारण ही यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, यह जीव सुख दुख वासना मात्र है, ये उसको दिखाई नहीं देता। विचार करके देखो, हम पड़े हुए भोगों के पीछे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, कि क्या चाहिए आपको बताओ। अनादि काल से लेके अब तक अनंत काल बीत गया, इस अनंत काल में ऐसा कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल है जो आपने नहीं भोगा? क्या नहीं भोगा आपने? आपने प्रत्येक पद, प्रत्येक जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपने अनंतों बार भोगा है, एक बार नहीं भोगा है। कि एक बार भोगा हो तो भी बात है, कि आपको लगता है कि अरबपति खरबपति बन जाएं, हम संसार के सबसे अमीर आदमी बन जाएं, तो हम सुखी हो जाएंगे, तो ये भी अनंतों बार बने हो आप। किससे सुखी होना चाहते हो आप बताओ? जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा। ये वही भोग है, नए भोग नहीं है कोई। हमको लग रहा नया भोग, नया भोग, ये भोग है तो अच्छा है, ये भोग है तो अच्छा है, अरे भोग भोग के छोड़ चुके हैं हम। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा। अज्ञान बस उच्चिष्ट भोगी अब ना बनूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। ये निश्चय हमने किया कि नहीं किया? कि हमको अभी भी लग रहा है कि ये वो मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये वो मिल जाए तो सुखी हो जाए। अरे यहाँ तो कह रहे हैं इन भोगों की बात तो छोड़ो, पंडित दौलत राम जी तो कह रहे हैं मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पेन से आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि मुनिव्रत भी अनंत वार धारण कर लिया, और भोगों की बात तो छोड़ो, और पदों की बात तो छोड़ो, ये मुनिव्रत भी अनंत वार धारण कर लिया, लेकिन बार बार कर पेन से आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि लेस मा सुख को प्राप्त नहीं किया, क्यों? क्योंकि मोह कर्म ने ज्ञान को आच्छादित कर लिया। यहां तो मोह कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि मोह कर्म ने इस ज्ञान को ऐसा आच्छादित कर लिया है कि क्या कहें, मतलब कोई समझाए तो भी समझ में नहीं आता, कोई समझाए तो हमको ऐसा लगता है कि अरे मैं उस पर, हमको ऐसा लगता है क्यों समझा रहा है हमको, समझाओ मत। जिनको देखो, एक बहुत सुंदर, कुछ दिनों पहले फेसबुक पे एक वाक्य पढ़ा था कि जिनको कसाय बतलाने वाले बुरे लगते हैं, इसका अर्थ है कि उनको कसाय बुरी नहीं लगती। मीन जिनको गलतियां बताने वाले बुरे लगते हैं, इसका अर्थ है कि उनको गलतियां बुरी नहीं लग रही। उनको लग रहा है कि बता क्यों रहा है ये, उनको बताने वाले बुरे लग रहे हैं। वास्तव में विचार करके देखें, जैन आगम की बात तो दूर रहो, हम लोग में भी देखें, हम पहले हिंदी की किताबों में आता है, आठवीं नौवीं में कहीं पढ़ा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि और हमको क्या लग रहा है, अरे ये हमारी कसायों को बताता है, ये हमारी गलतियों को बताता है। मैं हमको गलतियां बताने वाले, उस कसाय की पहचान कराने वाले, उस कसाय को बताने बारे बुरे लग रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमको कसाय बुरी नहीं लग रही, हमको कसाय अच्छी लग रही है। अब कसाय के बारे में कोई बताता है तो हमको लगता है अच्छी चीज छुड़वा रहा है हमसे,
कसा क्या लग रही है हमको अच्छी, हम विचार करके देखें कि हमारी मान्यता पर कोई चोट करे तो हमको वो मान्यता पर चोट करने वाला बुरा लगता है, इसका अर्थ है कि हमको मान्यता अच्छी लग रही है। हमको लग रहा है कि भैया ये क्यों क्यों चोट कर रहा है आज मान्यता पे, ये मोह का मोह की महिमा है ये भी। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ मोह की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, आचार्य पूज्य पाठ स्वामी या मोह के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, लेकिन वहां साथ में गलती इसमें मोह कर्म की नहीं है और ये मोह के कारण हो भी नहीं रहा है, वास्तव में तो ये हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। इसमें हमारी अज्ञानता ही सब कुछ कारण है, ऐसा कहना नियामक कारण तो एक हमारी अज्ञानता ही है। मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, ज्यों मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान। उसी प्रकार हम भी सब भान खो के बैठे हैं, हमको नहीं लगता कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। ये सही गलत की पहचान जिनवाणी कराती है, ये सही गलत की पहचान जिनवाणी कराती तो है, लेकिन कब कराएगी जिनवाणी? जब हम जिनवाणी को सही रूप में पढ़ेंगे। जिनवाणी को सही रूप में ना पढ़ने के कारण क्या होता है? पेज नंबर 193 पर पंडित ओरमा जी ने कहा कि अब जो जीव जिनज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व बना रहता है। तो ये जिनज्ञा मानने के बाद भी जिनज्ञा मानने वाले कौन? जो जिनवाणी पढ़ते हैं वो जिनज्ञा मानना है ना। जिनज्ञा मानने के बाद भी मिथ्यात्व रहता है, इसका अर्थ है कि जिनवाणी को पढ़ा तो सही, समझा तो सही, लेकिन उसको गलत तरीके से पढ़ा, गलत तरीके से समझा, उसका सही स्वरूप नहीं समझा। इसलिए पंडित ओडामल जी को इस सातवें अधिकार के बाद आठवें अधिकार में उपदेश का स्वरूप समझाने की आवश्यकता पड़ी कि इस उपदेश का जिनवाणी का स्वरूप नहीं जानते हम, और जिनवाणी का स्वरूप ना जानने के कारण ये मोह खड़ा हुआ है अब तक। यदि जिनवाणी का सही स्वरूप समझा होता, क्योंकि देखो उपदेश तो चार अनुयोग में ही है, कोई एक अनुयोग रूप नहीं है, और चारों ही अनुयोग धर्म में लगाने वाले हैं, मोक्ष में लगाने वाले हैं, वीतरागता की सिद्धि करने वाले हैं, वीतरागता तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, तीन अनुयोग तो ये हैं, तीन अनुयोग से कोई सिद्धि नहीं होती है। बहुत सारे जीव हैं जिनको लगता है कि द्रव्य अनुयोग ही सब कुछ है, द्रव्य अनुयोग से ही सिद्धि होती है। तो पंडित टोडामल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में एक लाइन कही है सातवें अधिकार में ही कि जिनको इन तीन अनुयोगों की रुचि नहीं है, जिनको ये तीन अनुयोग अच्छे नहीं लगते, जिनको ये तीन अनुयोग लगते हैं कि हे रूप हैं, उनको द्रव्यानुयोग की भी रुचि सच्ची नहीं है। उसको द्रव्यानुयोग की रुचि नहीं है, जिनको ऐसा लग रहा है कि तीन अनुयोग तो कोई मतलब के ही नहीं है, इन तीन अनुयोगों से सिद्धि होगी नहीं, सिद्धि तो एकमात्र द्रव्यानुयोग से होगी, तो उनके लिए पंडित ओडामल जी ने कहा है कि इनको अध्यात्म शास्त्रों की अर्थात द्रव्यानुयोग की सच्ची रुचि नहीं है। अब हम विचार करके देखें कि हमारा मोह कैसा है, कि हमारा मोह तो बलवान नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, हम मोह के ऊपर बलवान हो बलवान बलशाली कौन है? मोह बलशाली है कि हम बलशाली हैं? बस भोगों का दास होना फिरता है, भोगों का दास बना हुआ अर्थात मोह से हारा हुआ, जो भोगों का दास है वो मोह से हारा हुआ है अर्थात मोह ने उस पे अपना अधिकार किया हुआ है, अब वो मोह के रिमोट से चल रहा है। हम अपने अनुसार चलना चाहते हैं कि दूसरे के रिमोट के अनुसार? हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में तो नहीं दिया हुआ जगत में, तो हमको लगता है कि अरे नहीं, हम तो अपना जीवन अपने अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, हम अपना जीवन किसी के हाथ में नहीं देंगे, हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देंगे। लेकिन यहाँ मोह राजा के हाथ में क्यों दिया हुआ है? फिर वास्तव में तो यदि हम विचार करें, वास्तव में तो सार्थकता तब है अपने जीवन की जब हम मोह राजा के हाथ में से अपना रिमोट ले लें, सार्थकता तब है। जगत में तो कुछ भी कर लेंगे हम, क्योंकि जगत में जो कुछ हो रहा है वो तो उदयाधीन व्यवस्था है, वास्तव में तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हम कह रहे हैं कर भी लेंगे चलो, लेकिन सार्थकता तो उस मोह राजा के हाथ में से रिमोट लेने की है। यहाँ कह रहे हैं कि सुख दुख वासना रूप नहीं लग रहा है क्योंकि रिमोट कंट्रोल उसके पास है, मोह राजा के पास में, तो इसलिए सुख दुख वासना मात्र नहीं लग रहा है, कल्पना मात्र नहीं लग रहा है इंद्रिय जनित सुख, और अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो रही है। तो अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए
इस सुख दुख को कल्पना मात्र जानने के लिए उस मोह को जानने की आवश्यकता है, और मोह को जानकर उसको हरा के उस पर हावी होने की आवश्यकता है जो वो हम पे हावी हो रहा है। उसका हम विचार करें, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। टीका भावार्थ तो कल ही हो पाएगा। जैसे मद उत्पन्न करने वाले कोदवों से उन्मत्त पागल बना हुआ मनुष्य पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, तथा मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। अब देखो टीका भावार्थ में क्या कह रहे हैं वो हम कल देखेंगे। विचार करना वास्तव में कि मोह कैसा है, मैं इस मोह की महिमा कैसी है, मैं बहुत विचार करने वाली बात है मोह के ऊपर। हम अभी ये कह देते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, शायद मैं कह चुका हूँ ये वाली बात, कि हम ये कह तो देते हैं कि क्या कर रहे हैं, मोह का उदय है। यदि मोह ना हो तो फिर हम संसार में क्यों रहे, संसार ही है तो मोह तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन संसार में रहते हुए ही मोह का अभाव करना होता है, मुक्त होने के बाद कोई मोह का अभाव नहीं करता, मोह का अभाव जीव संसार में रहते हुए ही करता है और क्रम क्रम से ही करता है। हमको लगता है कि घर में रहते हुए कैसे अभाव होगा मोह का, घर में रहते हुए मोह का अभाव कैसे होगा, परिवारी जनों के बीच रहते हुए मोह का अभाव कैसे होगा, अभाव भी नहीं, चलो मोह का थोड़ा बहुत मोह मंद कैसे होगा, मोह कम कैसे होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल है पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक इसके एग्जाम्पल है कि पंचम गुणस्थान में भी नवी प्रतिमा तक, आठवीं या नवी प्रतिमा तक जीव घर में ही रहता है, गृहस्थ में ही रहता है, घर वालों के बीच में रहते हुए ही वो वहां तक पहुंच जाता है आठवीं नौवीं प्रतिमा तक। कितना मंद उदय है उसका मोह का, और हमको लगता है घर में रहते हुए कैसे होगा, क्यों ये भी क्यों लगता है, क्योंकि मोह बलवान हो रहा है हमारे ऊपर। कर इसकी चर्चा करेंगे और विचार करना वास्तव में कि इसका कारण कौन है, हम अपने स्वरूप की पहचान क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण है हमारी अज्ञानता और मोह का कारण, मोह का उदय। इन दो बातों की यहाँ बात है कि बाकी विचार करना और इन मोह को अभाव करने का उपाय करना, और मोह का अभाव करते हुए हम सब निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हों, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, है।